एवरी वन, वेलकम बैक टू नसरीन ईट चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन का सालन। ये बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई करना है आपने। ये मैंने आधा किलो चिकन ली थी, इसको धोकर वॉश कर लिया था। हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नमक, 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 लहसुन की कंठी और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत गरम मसाला, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, आधा प्याली दही। अब आपने हाफ प्याज, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को पीस लेना है। ये देखिए, मैंने प्याज हाफ शामिल कर दी थी और हाफ बचा ली थी। अब इसको मैं पीस कर आपको दिखाती हूँ। मैंने पीस लिया था। हाफ कप ऑयल लेंगे, ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा जैसे ही गरम हो जाएगा, इसमें साबित गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें मैंने प्याज शामिल कर दी थी। प्याज को आपने अच्छे से सौते कर लेना है। जैसे आपकी प्याज थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने इसमें चिकन शामिल कर देनी है और चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखें, आपने फ्राई कर लेनी है चिकन को अच्छे से। अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी और दही के साथ भी आपने 5 मिनट जो है वो अच्छे से इसको भूनना है। इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अब जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था, लहसुन अदरक हरी मिर्च और प्याज का, वो आपने इसमें शामिल कर देना और मीट इसको अच्छे से चला कर और नमक डाल करना। आपने इसको मीडियम फ्लेम पर मसाले को भुनने के लिए रख देना है। मसाला हमारे भुनने की स्टेज पर आ गया था। अब आपने फ्लेम हाई करके चिकन को अच्छे से भून लेना है। जितना अच्छा आपका मसाला भुना हुआ होगा, इतना ही फ्लेवरफुल आपका चिकन बनेगा। अब मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डाला था और इसको 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया था। 10 से 15 मिनट के बाद इसमें मैंने गार्निश के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करी थी, ये देखें, और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और 5 मिनट इसको मज़ीद रख दिया था और इसको डिश आउट कर लिया। बहुत मज़े का ये मसालन बना था। जब भी आपके कुछ समझ में ना आए तो फ़ौरन झटपट से ये रेसिपी ट्राई कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और नसरीन ईट चैनल को सब्सक्राइब करें। आई वेट योर फीड।